दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर आज वसई विरान महानगर पालिका के बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा मैं करने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो, लेकिन तब भी अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल वसई विरान अंतर्गत कितने भ्रष्टाचार के मामले आप सभी जानते हैं, और पिछले साल 2023 में एक बड़ा मामला सामने आया था बोगस ओसीसीसी का। बोगस ओसीसीसी का मामला आया था, उसमें क्या कुछ हुआ आप सभी को मालूम है। 55 बिल्डिंगें जिनके दस्तावेज फर्जी पाए गए, और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई विरार पुलिस स्टेशन में, और काफी कुछ घटनाक्रम हुआ। उसी सिलसिले में जब खबर सामने आई कि विरार अंतर्गत अगाशी में एक ट्विशा अपार्टमेंट नाम की बिल्डिंग है, वो भी बिल्डिंग बोगस सीसी के आधार पर बनी हुई है, तब महानगर पालिका में शिकायत की गई, और काफी कुछ फॉलोअप करने के बाद महानगर पालिका ने आखिरकार ट्विशा अपार्टमेंट के ऊपर गुनाह दर्ज करवाया। अब जो मैंने कहा कि भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार यहां से शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। महानगर पालिका ने ट्विशा अपार्टमेंट के ऊपर गुनाह तो दर्ज करवाया, लेकिन यह गुनाह दर्ज करवाया सिर्फ और सिर्फ एमआरटीपी एक्ट अंतर्गत। एमआरटीपी 52, 53, 54 की कलम अंतर्गत गुनाह दाखिल हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा कोई सजा का प्रावधान नहीं है। जबकि मामला है फोर्जरी का, और वसई विरार अंतर्गत हजारों करोड़ का जो बोगस सीसी मामला ऑलरेडी पहले ही खुल चुका। आयुक्त ने यह साफ आदेश दिया था कि बोगस सीसी का मामला हो तो तुरंत एफआईआर करे, लेकिन प्रभाग समिति ए बोलिंस के सहायक आयुक्त तो शशिकांत पाटिल, उनकी न जाने क्या इस बिल्डिंग वालों से सांठगांठ है, कि क्या सांठगांठ इस मामले में है, क्या व्यवहार उनका हुआ है कि उन्होंने इस मामले को काफी हल्का बना दिया। तो आप शुरुआत करूं तो आपको बता दूं, इस बिल्डिंग के जो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगे हैं, वो डॉक्यूमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में पहले आपको ये बता दूं कि महानगर पालिका ने जो एफआईआर दर्ज करवाई वो ट्विशा अपार्टमेंट के ऊपर, उसमें एक आरोपी बनाया गया है ध्रुव डी मेहता, उसके ऊपर एमआरटीपी अंतर्गत गुनाह दर्ज हुआ है। अब ध्रुव डी मेहता कौन है? तो ये ध्रुव डी मेहता है, वो डेवलपर है, उसने बिल्डिंग बनाई है, वो जमीन मालक नहीं है। जमीन मालक है श्रीमती प्रिया पराग शाह एंड डिंपल अंकुर शाह, ये जमीन मालक है जिन्होंने ध्रुव मेहता को पावर ऑफ अटॉर्नी दिए। ध्रुव मेहता ने जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें मेंशन किया है। अब जो कायदा है, पहले तो महानगर पालिका को फोर्जरी का गुनाह दाखिल करना चाहिए था, क्योंकि महानगर पालिका को सब वो डॉक्यूमेंट दिए जा चुके थे कि ये बिल्डिंग जो है वो फोर्ज सीसी के आधार पर बनी हुई है। इसकी ओरिजिनल सीसी है गोखीवीरे की, और उस पर भी मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, आपने शायद देखा होगा। ओरिजिनल सीसी है गोखीवीरे की, बिल्डिंग बनी है अगाशी में। तो महानगर पालिका को ये डॉक्यूमेंट दिए जा चुके हैं, उनको शिकायत की जा चुकी है, फिर भी महानगर पालिका ने फोर्जरी का गुनाह दाखिल नहीं करवाया। साथ ही साथ महानगर पालिका के साथ इस मामले में पुलिस भी बराबर की मिली भगत है। पुलिस की भी, पुलिस को जब मालूम है कि ये फोर्जरी का मामला है, तो फोर्जरी 400 BC का मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया पुलिस के द्वारा। इस मामले में महानगर पालिका का यह तर्क है कि हम फोर्जरी के गुनाह दाखिल कराने के लिए जब पुलिस स्टेशन में गए और हमने जब शिकायत दी, तो पुलिस स्टेशन का कहना है कि पहले आप एमआरटीपी का गुनाह दाखिल कीजिए, बाद में अगर जरूरत हुई तो हम फोर्जरी उसमें शामिल करेंगे। तो पुलिस ऐसा भला क्यों कहेगी? पुलिस के पास अगर फोर्जरी का मामला जाएगा तो पुलिस फोर्जरी का मामला क्यों नहीं दाखिल करेगी? महानगर पालिका एक ऑथोरिटी है, और जब फोर्जरी महानगर पालिका के ही दस्तावेज जाली इस्तेमाल किए गए हैं, तो उसमें पुलिस नकारेगी क्यों? तो इसमें सवाल है, या तो महानगर पालिका झूठ बोल रही है, अगर महानगर पालिका सही बोल रही है तो पुलिस की भी मिली भगत है, साफ बात है। मतलब ये सीधी सीधी साफ चीजें जाहिर होती। अब सबसे बड़ी बात कि एमआरटीपी में भी जो गुनाह दाखिल किया तो किया, उसमें भी जो प्रोविजन है उसको इन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार करते हुए पूरे के प्रोविजन की इन्होंने धज्जा उड़ाई है, कानून की इन्होंने धज्जा उड़ाई है, वो साफ दिखाई दे रहा है। इसमें आरोपी सिर्फ एक बनाया गया है, ध्रुव डी मेहता जो डेवलपर है।
जबकि जमीन मालक जो अपने नाम बताया प्रिया पराग शाह और डिंपल अंकुर शाह, जिन्होंने ध्रुव डी मेहता को पावर ऑफ अटर्नी दी थी, उनको क्यों नहीं आरोपी बनाया गया। यहां तक कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर चाहे कोई बिल्डिंग बने या दस्तावेज सही भी हो और बिल्डिंग में अनियमितता पाई जाती है, अगर बिल्डिंग इलीगल पाई जाती है, तब उस परिस्थिति में 7-12 पर जितने लोगों के नाम होते हैं सभी को आरोपी बनाया जाता है। यहां पर 7-12 में जितने नाम है उसमें किसी एक को भी आरोपी नहीं बनाया जाता। और बड़े मजे की बात तो यह है कि हम इसमें इन्होंने 7-12 की कॉपी लगाई है, वो 7-12 की कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें कहीं पर भी प्रिया पराग शाह और डिंपल अंकुर शाह का नाम ही नहीं है। जब किसी व्यक्ति का नाम 7-12 में है ही नहीं, तो वो उस जमीन के अधिकार किसी और को कैसे दे सकता है। तो ये सवाल काफी बड़ा है, प्रिया पराग शाह और डिंपल अंकुर शाह दोनों ही का नाम 7-12 में मेंशन है ही नहीं। एक शाह का नाम है ऊपर, वो अगर शायद इनके पिता हो या कोई रिश्तेदार हो, कल्पनाबेन अशोक भाई शाह, इनका नाम ऊपर दर्ज है, तब भी इनके बाद इनका नाम 7-12 पर क्यों नहीं चढ़ा। और साथ ही साथ जैसा मैंने भी कहा कि जो MRTP एक्ट कायदा है या इल्लीगल बांधकाम के ऊपर जो प्रोविजन होते हैं, जिस प्रोविजन अंतर्गत महानगर पालिका ने गुनाह दर्ज किया है, उस प्रोविजन में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो डेवलपर है उसके ऊपर गुनाह दर्ज किया है, जबकि जमीन मालक 7-12 पे जो लोग हैं उन पे गुनाह दर्ज नहीं किया। 7-12 पे जो लोग हो उन पे गुनाह दर्ज होता है क्यों? अगर उनकी जमीन पर उनकी सहमति से काम हो रहा है, इलीगल बांध काम हो रहा है, तो गुनाह दर्ज होना चाहिए। और अगर उनकी सहमति नहीं है तब उन्हें खुद कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में जाकर यह मामला दर्ज करवाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका की सांठगांठ यहां साफ साफ आपको दिखाई दे रही है। महानगर पालिका प्रभाग समिति सहायक आयुक्त शशिकांत पाटिल, उनको फोन पर जब पूछा गया तो हमने तो बोला था पुलिस ने नहीं किया, उनका यह जवाब है। तो आप जो एक पद निर्देशित अधिकारी हो, क्या आप पुलिस से यह बात लिखित में आपने ली है? यह सवाल बड़ा है। और भी मैंने जैसा आगे कहा कि इसमें सीसी फर्जी है और यह मामला होना चाहिए फॉर्जरी का, लेकिन इन्होंने फॉर्जरी तो दाखिल की नहीं है, वो बड़ा एक विषय है। सीसी में पहले बता चुका हूं कि गोखीवरे की ओरिजिनल सीसी है और यहां ये बांधकाम अगाशी में हुआ है। उस सीसी में भी 2 माले का वो इंडस्ट्रियल प्लान की सीसी है, ये यहाँ यूज की गई है और जिसके सब दस्तावेज महानगर पालिका को दिए जा चुके हैं। अब मैंने पिछले बार जिक्र किया था, बताया था आपको कि महानगर पालिका से जब इसकी डिटेल मांगी गई तब महानगर पालिका बोलती है हमारे पास इस शिकायतकर्ता ने जब शिकायत की और महानगर पालिका से उन्होंने जानकारी मांगी कि आपने क्या कार्रवाई की, तब महानगर पालिका ने लिख के दिया कि हमने कुछ कार्रवाई नहीं की, कोई हमारे पास इसका डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा उन्होंने लिख के दिया। बाद में फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह हमने लिखित में दिया है और इसका हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तब वो सहायक आयुक्त ने जाकर पुलिस स्टेशन में इस तरह से गुनाह दाखिल किया। वो गुनाह दाखिल किया तो सिर्फ और सिर्फ उस डेवलपर को और जमीन मालक जिनका नाम डॉक्यूमेंट में है, प्रिया पराग शाह और डिंपल अंकुर शाह, उनको बचाने की पूरी कवायद की गई। साथ ही साथ और भी लोग इसमें पार्टनर है जिनका खुलासा आगे हम जरूर करेंगे, और भी लोग पार्टनर है। तो ये महानगर पालिका का एक बड़ा भ्रष्टाचार है और इसमें सीधे सीधे जिम्मेदार है प्रभाग समिति सहायक आयुक्त शशिकांत पाटिल। इस मामले पर वरिष्ठों को भी शिकायत की जा चुकी है और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी डायरेक्शन दिया था, तब भी शशिकांत पाटिल ने इस मामले को काफी हल्का बना दिया और फोर्ज सीसी का मामला जो 2023 में हुआ था उसमें हजारों पेज की चार्जशीट
कोर्ट में फाइल की जा चुकी है और वो मामला काफी बड़ा था, लेकिन इस मामले को पूरा घुमा दिया गया। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका वसई विरार का जो रवैया है वो कैसा है, ये मैंने खुलासा किया। अब देखते हैं कि महानगर पालिका, अब देखना यह है कि महानगर पालिका आयुक्त अनिल पंवार जो है वो शशिकांत पाटिल के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेते हैं या शशिकांत पाटिल भ्रष्टाचार से उनका भी मुंह बंद कर देंगे, ये बड़ा सवाल है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होता है। आज के लिए फिलहाल अभी इतना ही, और कुछ खुलासे होंगे तो हम आपको जरूर आगे अपडेट देंगे। खबर के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में जरूर भेजिए। खबर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।